बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों बड़ी बड़ी हस्तियां कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। जहां पिछले साल मेगा स्टार अमिताभ बच्चन भी इस महामारी का शिकार हुए थे और काफी समय तक इलाज करवाने के बाद वो ठीक हो पाए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन के घर पर एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, कोरोना एक बार फिर से अमिताभ के घर में घुस गया है और बहुत ही विकराल रूप में है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी से जुड़ी जानकारियां देने वाले हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों कोरोना काल के काले बादल फिर से मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आए दिन खबरें आ रही है कि स्टार्स कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, वहीं हाल ही में खबर आई है कि बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के घर में भी एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। जी हां, बता दें, बीते साल भी बिग बी और उनके परिवार के 3 सदस्य अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी लाडली पोती आराध्या बच्चन पर कोरोना वायरस ने अटैक किया था और काफी लंबे समय तक हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद ही ये तीनों ठीक होकर घर आए थे। लेकिन आपको बता दें, अब एक बार फिर से कोविड-19 का खतरा उनके घर पर मंडराता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट की माने तो बताया जा रहा है कि उनके घर में मौजूद स्टाफ में से एक सदस्य के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है, जिसके मुताबिक बिग बी के बंगले में पूरे 31 स्टाफ रोज काम करते हैं और नियमित कोविड-19 जांच के दौरान एक कर्मचारी का कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है। और जब से ये खबर सामने आई है, तभी से घर में काम करने वाले सभी स्टाफ को कोविड केयर सेंटर में क्वारंटीन कर दिया गया है। और जब से ये खबर सोशल मीडिया पर आई है, तब से अमिताभ के फैंस का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और वो अमिताभ बच्चन की सलामती और उनकी फैमिली के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इसी बीच अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में बताया कि वो अपने घर पर कोविड संबंधित स्थिति को निपटा रहे हैं और दर्शकों के साथ थोड़े समय के बाद जुड़ेंगे। तो दोस्तों, आपको जानकर कैसा लगा कि एक बार फिर से अमिताभ बच्चन के घर में कोरोना ने दस्तक दी है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।